तो so स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर से सो टुडे वी आर टू बी डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जो तुम्हारा फर्स्ट वाला वो क्वेश्चन था दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? एक तुम्हारा क्लाइंट है जो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है तुमको रेवेन्यूज भी पूरी कंपनी का 60% से ज्यादा रेवेन्यू एक सिंगल क्लाइंट तुमको वो देता है लेकिन दैट क्लाइंट इज वेरी डिमांडिंग तुम्हारे एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है सो दे फोर देर इज अ पॉइंट वेयर बाई यू हैव स्टार्टेड टू बी थिंकिंग अगर ये क्लाइंट के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे वन डे आर एम्प्लॉय विल बी लिविंग सो कंपनी है थॉट दैट लेट्स ट्राई टू रिमूव दैट क्लाइंट वी विल नॉट हैव दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ कस्टमर ऑब्वियसली तुम्हारा टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन टॉप लाइन बोले तो योर योर बॉटम लाइन मतलब तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारे प्रॉफिट्स आर वुड बी गोइंग डाउन टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट क्योंकि दट क्लाइंट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वो देता था बट देन एज अ प्रेजिडेंट ऑल्सो टोल्ड दट यू नो यू कैन नॉट ट्राई टू बी लूजिंग आउट योर वैल्यूएबल एम्प्लॉयज स्पेशलीफ दोज एम्प्लॉयज आर गुड ओके तो तुमको इस सिचुएशन के बारे में कमेंट करना था वी थिंक दट इट वॉज अ व वेरी गुड थिंग दट द कंपनी सेलेक्टेड द वर्कस एंड द एम्प्लॉइज इंस्टेयर ऑफ दट पर्टिकुलर सिंगल क्लाइंट एंड दैट थिंग एज पेड ऑफ स्पीड ऑफ मतलब इन दिस केस इन लॉन्ग रन इट वॉज बेटर शुरू में शायद हमारे प्रॉफिट्स वगैरह कम हो गए क्योंकि वो वाला जो कस्टमर था वो निकल गया लेकिन इन लॉन्ग रन वी स्टार्ट टू गेट न्यू एम्प्लॉयज वी गॉट अ चांस यू रिड्यूस आर कॉस्ट ऑल्सो ओके और वो वाला क्लाइंट जो निकला था केम बैक बट ऑन आर टर्म सो दे फॉर ओवरऑल इट वॉज बेटर दिस क्वेश्चन वॉज ऑल अबाउट अ सस्टेनेबिलिटी मॉडल ओके की शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट्स कमा सकते हो ओके लेकिन अगर हिम्मत है थोड़ा सा गट्स वगैरह है देन यू शूड ट्राई टू बेकिंग दोज पर्टिकुलर डिसीजन विच आर गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन सो इट वॉज ऑल अबाउट लाइक यू नो ट्राइंग टू हैव अ फंड ऑफ

So, this problem does not involve any calculation, just a discussion. What is more important? Is it a profitable client who is too demanding, or is it your employees? It is also the fight of short run approach versus long run approach. You can try to be keeping one client who is profitable, or in this particular case, you can try to be thinking, No, sir, employees are more important. Employees are more so sir. It's also an emerging question about. प्रोफिटेबिलिटी वर्स सस्टेनेबिलिटी नो क्लाइंट इज वर्थ योर इंटायर बिजनेस कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा बिजनेस उस क्लाइंट के ऊपर ही पूरा का पूरा तो वो डिपेंडी येस आई ऑलवेज डू एग्री दैट सम क्लाइंट्स आर मोर प्रॉफिटेबल बट दे आर नॉट वर्थ योर एंटायर बिजनेस इफ सपोज क्लाइंट्स बिकम टू डिमांड इट समिमांडिंग समटाइम्स एट सम मोमेंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू बी थिंकिंग यू आर जॉब सफर इन शॉर्ट रन तुम्हारा टॉप लाइन तुम्हारा बट इन लॉन्ग रन इट मेट बी फार बेटर ठीक है यह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर था दिस वॉज अ टू स्टार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वॉज ऑल अबाउट वॉट ये एक होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था तुम्हारा जहां पे इट वॉज ऑल अबाउट लाइक यू नो एक थिएटर है कोई ना कोई एक मूवी वगैरह वो चला रहा है वो लोग सोच रहा है एक न्यू मूवी uh, लगाएगा यू हैड टू बी डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस के ना हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी निकालना स्टार्ट कर दिया बस बस uh, मैं होमवर्क सेक्शंस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं बिकॉज यू विल हैव टू बी अप्लाइंग योर माइंड टू बी ट्राइंग टू गेट द आंसर इन एनी केस द आंसर्स आर कंप्लीटली देयर ऑन अ वेबसाइट So, वहां पे आप लोग डाउनलोड सेक्शन के ना जाके यू कैन सी दी कंप्लीट आंसर दैट इन अ थियेटर देर इज नो डिविजन ऑफ किड्स एंड तो अभी तक अगर वो वाला क्वेश्चन करना बाकी है तो ध्यान से सुनना थिएटर के अंदर कोई बाईफन नहीं होता ये जगह एडल्ट का ये जगह वो किड्स का येस मूवी कैन बी फॉर अ किड मूवी कैन बी फॉर अ थियेटर ओके लेकिन सीट्स आर नॉट एलोकेटेड इधर फॉर अ एडल्ट और फॉर अ स्मॉल चाइल्ड ओके सो try to get the answer in case you do not get it then in that case you can check the website lekin question chhodna nahi do not leave the question okay chali question number 36 ye one star question tha but then it is quite simple as such ye jo tumhara one star question tha this was all about what this is all about return on capital employed हमारे यहाँ पे एक product बनता है product X. उसके अंदर वो जो product X है उसको बनने के लिए चार divisions में से pass होना होता है डिवीजन ए डिवीजन बी डिवीजन सी डिवीजन डी लेकिन जो डिवीजन बी है ना 100 परसेंट तक पहुंच गया याद रखना अगर कोई भी डिवीजन 100 परसेंट तक पहुंच जाएगा तो आपका कंपनी प्रोडक्ट टैक्स और बना नहीं सकता क्योंकि एक्स हैज टू बी पासिंग फ्रॉम ऑल द फोर डिपार्टमेंट्स ओके सो इन दैट केस वॉट शुड बी डन देन वॉट शुड बी डन देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल ट्राई टू बी थिंकिंग कि अपने को क्या करना चाहिए तो कंपनी ने ऐसा सोचा यार अगर बी का दिक्कत है ना तो हम लोग क्या कर लेंगे चलो ए सी और डी का यूटिलाइजेशन 100% परसेंट तो नहीं हुआ तो उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है ये स्पेयर कैपेसिटी भाड़े के ऊपर वो चढ़ा देना ओके okay. तो आप लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा ये एक ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन क्या था कि ना डिपार्टमेंट बी के अंदर और मशीनरी डालो तीन यूनिट और बनाओ सली तीन हजार यूनिट डिपार्टमेंट ए सी और डी के अंदर से भी पास हो ही जाएंगे अगर ये करने के बाद कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी बच गया वो भी भाड़े के ऊपर चढ़ा दे रहा ठीक है मोस्टली इन एवरी क्वेश्चन वी गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन वेर एवर यू गेट हाइएस्ट प्रॉफिट लेकिन इस क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ था देर आर दीज आर द टू प्रपोजल्स दैट कंपनी इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दुनिया में क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ना तुम ना मैं

check the capacity department b is operating at 100% capacity so even if other departments will have spare capacity it's of no use as x has to be passing from each and every department In is question I na end the question incremental revenue word in this problem will mean contribution as variable cost of x is not given this question ke na, nah, आप लोग तीन हजार यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे ऐसा लिखा हुआ था ओके और डीज थ्री यूनिट्स विल फेच इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड वर्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन दिस केस विल मीन एक्स्ट्रा रेवेन्यू बट इन दिस क्वेश्चन बी इंटरप्रेटेड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन क्योंकि हमारे पास एक्सा वेरियेबल कॉस् हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते और जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं निकालेंगे हम लोग प्रपोजल्स को इवेलुएट नहीं कर सकते थे तो हम लोग ने इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड का इस क्वेश्चन के अंदर जो मतलब पकड़ा दैट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है चलिए ये वाला चीज ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फिर उसके बाद थर्टी क्वेश्चन पे आए थे अभी ये वाला जो थर्टी क्वेश्चन है दिस दिस ऑल ऑल अबाउट अबाउट कंपनी ना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह तो वो बनाता है और उसके पास दो प्लांट हैं दो फैक्ट्रीज हैं एक मेरे ख्याल से संभालपुर पे और एक बिलासपुर पे यस अभी यहां पर एक फैक्ट्री है यहां पर वो दूसरा फैक्ट्री है और फैक्ट्रीज कि ना यहां पर हम लोग जो रॉ मटेरियल है ना वो हम लोग लोकली ही खरीदेंगे मतलब संभालपुर वाला जो फैक्ट्री है संभालपुर पे ही खरीदेगा और संभालपुर से ही वो खरीदेगा बिलासपुर वाला जो फैक्ट्री है बिलासपुर से ही खरीदेगा लेकिन दोनों ने एक और चीज़ भी डिसाइड किया अगर अपने को एक्स्ट्रा मटेरियल <coughs> का कभी भी जरूरत पड़ा तो फिर हम लोग जमशेदपुर से खरीद सकता है ठीक है सो एक्स्ट्रा मटेरियल कैन बी परचेज फ्रॉम जमशेदपुर एज सच यार ना क्वेश्चन के ना ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ये लोग एक दूसरे से भी माल खरीद सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो संभालपुर वाला जो प्लांट है या संभालपुर के अंदर लोकल मार्केट से खरीद लेगा दूसरा ऑप्शन जो है इन दिस पर्टिकुलर केस दे कैन बी बाइंग फ्रॉम जमशेदपुर ओके तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था उन लोगों ने बस क्या बोला था कि ना कैलकुलेट कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ ईच यूनिट पर मेट्रिक टन ऑफ आउटपुट अपना फर्स्ट वाला पार्ट था तो इस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या सोचा कि ना संभालपुर पर बारह यूनिट बनेगा बिलासपुर पर पंद्रह हजार यूनिट वो बनेगा देख लेने का इसके लिए मटेरियल कितना लगेगा उसके इसे देख लेने का कि मटेरियल लोकली कितना अवेलेबल है बाकी जो है अपने को जमशेदपुर से खरीदना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गई तुम्हारी बेसिक मटेरियल की कॉस्ट उसके बाद एक अदर वेरिएबल कॉस्ट था और फिर एक फिक्स कॉस्ट था बस ये सब कुछ एडअप करके अपने को यहां पे कॉस्ट वगैरह वो मिल गया था नंबर ऑफ यूनिट यूनिट से डिवाइड करके पर अपने को ईच प्लांट के अंदर मिल गया था ये इजी पार्ट था पांच सेकेंड उन लोगों ने अभी क्या बोला देखो करंटली ना हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर ट्वेंटी मेट्रिक टन बना रहा था संभालपुर पर इतना और बिलासपुर पर इतना ठीक है तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया हम लोग ना सिर्फ लोकल मटेरियल ही खरीद सकता है सिर्फ लोकल मटेरियल ही खरीदेगा हम लोग इन दिस पर्टिकुलर केस ना जमशेदपुर से माल नहीं खरीदेगा तो तुमको डिसाइड करने का था ये जो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का आउटपुट अपने को चाहिए क्योंकि सामने लिखा होता कि सेम आउटपुट ही रखना तो अगर ट्वेंटी का आउटपुट चाहिए देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग कितना कितना कहां कहां बनाओ बट यू विल ओनली परचेज द मटेरियल दैट इज लोकली अवेलेबल नॉट इवन फ्रॉम जमशेदपुर ऑल्सो तो तब हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था छह हजार मेट्रिक टन से डिवाइड बाई 80% परसेंट कितना आउटपुट निकल सकता है दैट वॉज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड मेट्रिक टन से कितना आउटपुट निकाल निकल सकता है तो सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाई एटी परसेंट बोले तो ट्वेंटी थाउजेंड तो इधर ट्वेंटी इधर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल केम टू सेवन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो तुम लोग ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड बना सकते हो लेकिन तुमको तो बनाना सिर्फ ट्वेंटी सेवन है तो तुम्हारे लिए फिर कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अच्छा है तो तब मैंने तुम लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो बता दिया था क्या दो ऑप्शन तो वो बता दिया था कि या फिर पूरा का पूरा कैपेसिटी संभालपुर का यूज करो तो साढ़े सात हजार इधर बना लेना या फिर नहीं ये एक ऑप्शन है और फिर बाकी जो बच गया ट्वेंटी बिलासपुर के अंदर वो ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो बना लेना, और फिर इन दिस पर्टिकुलर केस सेवन थाउजेंड जो बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि टोटली तो अपने थाउजेंड ही बनाने का है तो सेवन थाउजेंड जो है वो आप लोग संभालपुर के अंदर बना लेना हम सोच रहे थे कि दोनों के विच इज बेस्ट ऑप्शन तो तब मैंने तुम लोग को क्या बोला सेल्स वैसे भी सेम ही रहेगा ठीक है तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कभी होगा सेल्स रिवीनिंग सेम जब भी तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा फिक्स कॉस्ट तो तुम्हारा वैसे भी सेम ही रहेगा तो इन दैट केस दैट ऑप्शन विल बी बेस्ट बेस्ट वेर एवर योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी लीस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल 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 वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोगों ने क्या सोचा अपने को ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मेट्रिक टन बना के

तो हम लोगों ने संभालपुर पर वेरिएबल कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकाल दिया था लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के ना बेटा दो कॉस्ट आएगा एक मटेरियल का कॉस्ट और दूसरा अदर वेरिएबल्स ओके सेम वे बिलासपुर के लिए भी योर वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट वन इज योर बेसिक मटीरियल एंड वन इज इन दिस पर्टिकुलर केस योर अदर वेरिएबल्स वो निकाल के हम लोग को पता चल गया था विच प्लांट इज बेटर तो जो प्लांट का कॉस्ट कम है आप लोग उसको पूरा का पूरा यूज करो बाकी बैलेंसिंग फिगर जिसका कॉस्ट वो ज्यादा है वहां से वो उठा लेना है। अकॉर्डिंगली हम लोगों अकॉर्डिंगलीवन थाउजेंड मेट्रिक टन का कॉस्ट निकाल लिया था और लास्ट वाले पार्ट के ना उन लोगों ने बस यही बोला था बी द कॉस्ट तो पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल कॉस्ट था पार्ट टू के अंदर हमारे पास वो टोटल कॉस्ट था तो हम लोगों ने डिफरेंस यहाँ पे करके सेविंग्स भी निकाल लिया था बस मैंने शॉर्ट्स के ना ये वाली चीजें वो लिखी हुई हैं कंपनी रिक्वायर्स रॉ मटीरियल इट हैज टू फैक्ट्रीज वन इन वन इन बिलासपुर ईच प्लान सॉरी ईच प्लांट होना चाहिए कैन परचेज द रॉ मटीरियल फ्रॉम लोकल मार्केट और फ्रॉम जमशेदपुर डू रिमेंबर दैट देर इज नो ऑप्शन टू परचेज मटीरियल फ्रॉम द अदर टाउन तो संभालपुर बिलासपुर से नहीं खरीद सकता बिलासपुर संभालपुर से नहीं खरीद सकता अगे इन पार्ट टू वी हैव टू बी प्रोड्यूसिंग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मेट्रिक टन ओनली बट ओनली लोकल परचेज विल बी अलाउड बट ओनली फ्रॉम लोकल परचेजेज ठीक है In such cases, sales will be same, fixed cost in any case will remain same. Hence, that option will be better where total variable cost is least. As 27,000 tons in any case will be produced. And we want least variable cost by producing 27,000 tons. That plant will be the best where variable cost per ton is least. Hence, we have given ranks based upon variable cost per metric ton. Okay? This question is a two-star question. So, relatively important. Okay.

तो ऐसे केसेस के अंदर एक सिंपल प्रिंसिपल जिस चीज़ की कमी है ना बराबर यूज़ करो अगर लेबर आर्स की कमी है तो उसको बराबर यूज़ करो बराबर यूज़ करो का मतलब क्या होता है वो वाला प्रोडक्ट सबसे पहले बनाना दैट गिव्स यू हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर अगर मशीन आर की कमी है वो वाला प्रोडक्ट सबसे पहले बनाओ विच गिव्स यू हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर अगर रॉ मटेरियल का कमी है गिव रैक्स बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल अगर लैंड का कमी है गिव रैंस बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर एकड़ ऑफ लैंड सो ऑन एंड सो ठीक है लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन कहना है एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आया हमारे क्वेश्चन अंदर भी आगे जाके तो आएगा सिंपल प्रिंसिपल सपोज मशीन आर्स का भी कमी है लेबर आर्स का भी कमी है सो गिव रैंस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर अगर रैंकिंग एक्जैक्टली सेम आया तो फिर फॉलो कर लेना लेकिन अगर रैंकिंग अलग अलग आया दैट टाइम दन ऑप्शन यूज एलपीपी एंड कम अक्रॉस देंसर एलपीपी का रिकेप मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाएगा ठीक है हम लोगों ने इसी बेस को लेकर मैंने तुम लोग को एक डमी क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जहां मशीन आर्स वर अ लिमिटिंग फैक्टर तो so हम लिमिटिंग uh, हमारा ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन अभी क्वेश्चन था ना शायद ये याद भी होएगा इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन हम लोग चार टाइप ऑफ टोमेटोस का वराइटीज बनाते थे वन इज इन दिस केस यहां पर रॉयल रेड गोल्डन येलो जूसी क्रिमसन सनी स्कॉलेट ठीक है अभी यहाँ पर मशीन आर्ट वर लिमिटिंग सॉरी यहां पे लैंड वॉज अ लिमिटिंग फैक्टर इफ लैंड वाज़ अ लिमिटिंग फैक्टर वी गेव रैंक बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड तो हमारा आरआर का फर्स्ट आया था उसके बाद एसएस का सेकंड आया था जेसी का थर्ड आया था जीवी जीवाई का फोर्थ आया था इनफैक्ट नेगेटिव भी आया था लेकिन फिर ना यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स भी थे और उन रूल के ना फर्स्ट वाला जो आईसीए का महान इंटरप्रिटेशन सब लोग को याद ही होएगा उन लोगों ने बोला था कि ना मेक 1000 थाउजेंड बॉक्सिस ऑफ एनी वन वराइटी लेकिन आई सी ने उसको इंटरप्रेट किया था मेक 1000 थाउजेंड बॉक्सिस ऑफ ईच एंड एवरी वराइटी तो हम लोग को हर एक का मिनिमम हजार तो बनाने का ही था किसी का भी ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा नहीं बनाने का था और ये वाला कंडीशन ही तुम लोगों ने गलत किया था कि वन एकड़ सॉरी वन हेक्टेयर शुड भी डिवोटेडेडेडेडेड टू वन क्रॉप ओनी ओके तो ये तुम्हारा एक थर्ड कंडीशन था ये थ्री कंडीशन को देख के तुमको दो टाइप्स ऑफ लैंड का वाईफर्केशन करना था एक ट्वेंटी एट हेक्टर्स एक सिक्सटी एट हेक्टेस ट्वेंटी एट हेक्टेस के अंदर सिर्फ ये और ये ही ग्रो होता है लेकिन सिक्सटी एट हेक्टेस के अंदर सब चीजें ग्रो हो सकती हैं तो पहले हम लोगों ने क्या सोचा सर पहले ट्वेंटी एट हेक्टेस से स्टार्ट करेंगे जीवाई को मिनिमम देंगे क्योंकि वो वैसे भी लॉस मेकिंग है और जे सी को बैलेंसिंग फिगर वो दे देंगे फिर उसके बाद हम लोग सिक्सटी एट हेक्टेयर्स वाली लैंड पे आएंगे वहाँ पे पहले आप एस एस को मिनिमम दे दो फिर आप आरआर को बैलेंसिंग फिगर दे दो लेकिन फिर आरआर का जो फिगर है ना ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर चला जाता है तो ट्वेंटी थाउजेंड के लिए देख लो कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जरूरत है दैट एट कम टू फिफ्टी सेवन पॉइंट वन फोर फिफ्टी सेवन हेक्टेस तो आर को हम लोग ने दे दिया था पॉइंट वन फोर के लिए शायद हम लोग को याद होगा अपने पास दो ऑप्शन था ये दो ऑप्शन वर वर्देर फॉर फिफ्टी एट हेक्टेर ईदर यूज पॉइंट वन फोर पार्ट ऑफ फिफ्टी एट हेक्टेर टू ग्रो रिमेनिंग फिफ्टी बॉक्स ऑफ आर शायद फिफ्टी बॉक्स वाला जो स्टोरी है वो याद होगा या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस पूरा का पूरा जो है वो आप लोग एसएस को दे देना तो हम लोगों ने इवैल्यूएट किया था तो अपने को पता चला यूजिंग दैट फिफ्टी एट हेक्टेयर टू सम एक्सटेंट ओनली एंड कीपिंग द बैलेंस एम टी बी ओनली गेटिंग वन थर्टी थ्री रुपीज का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था इससे अच्छा आप लोग सारा का सारा जो हेक्टेर है वो आप लोग एस को देके काम खत्म कर देना ओके okay. स एस को देके हम लोगों ने काम अगर वो खत्म करेंगे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फाइव जीरो फोर पॉइंट सिक्स कुछ था ठीक है सो दे फॉर एस एस को वो वाला जो चीज है वो देना हमारे लिए अच्छा है ठीक है तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ लैंड कर दिया था और प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल दिया था उसके बाद यहाँ पे एक पार्ट थ्री भी आया था इस पार्ट थ्री के अंदर क्या था बैंक अपने को लोन देगा पांच हजार रुपए का वो एक कैपिटल कॉस्ट है जिसका लाइफ वॉज नॉट गिवन हेंस इट इज इन्फनेट और हम लोग उससे क्या करेंगे ट्वेंटी एट हेक्टर्स इंप्रूव कर देंगे ट्वेंटी एट हेक्टेस एक बार इंप्रूव हो जाएगा तो उसके अंदर ना आर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार रैंक्स बदलेंगे क्या रैंक्स बदल सकते थे क्योंकि जीवाई का ना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बिकॉज दिल बी सम सेविंग्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ समथिंग ओके तो हम लोगों ने जीवाई का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया भी लेकिन जीवाई का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के बाद भी ना जीवाई बॉस लास्ट रैंक प्रोडक्ट होनी ओके तो रैंकिंग टेक्निकली हमारा नहीं बदला लेकिन हमारा आंसर जरूर बदला आंसर क्यों बदला क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस न यहां पर क्या हो गया था कि अभी 28 एट हेक्टेस के ना आर आर भी ग्रो हो सकता है तो हम लोगों ने पहले क्या किया जीवाई को मिनिमम दिया फिर जीसी को मिनिमम दिया और बैलेंसिंग फिगर जो है 28 एट हेक्टेस के ना आर आर को दे दिया आरआर को अगर इधर दिया तो सिक्सटी एट अंदर से उतना निकाल दिया और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोगों ने नेक्स्ट बेस्ट क्रॉप दैट इज को दे दिया और फिर अपना जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया था ओके बस यहाँ पे वो वाला चीज देख लेना कि मैंने पार्ट वन के अंदर वो फिफ्टी एट हेक्टेयर की स्टोरी क्या एक्सप्लेन की थी उसका नोट पीछे भी है तुम्हारी बुक के अंदर लेकिन वो वाला चीज बराबर से देख लेना ठीक है चलो और लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा था बेटा वो होमवर्क सेक्शन वाला था Now, ये वाला क्वेश्चन टू थाउजेंड एंड एटीन में एग्जाम्स के अंदर आया था दिस वॉज ए इजी क्वेश्चन ओके बस यहाँ पे वन थिंग होमवर्क सेक्शन ट्राइंग टू बी डिस्कसिंग मच लेकिन ना जो हाइएस्ट रैंक प्रोडक्ट था ओके okay, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो लेने का एंड देन यू हैव टू बी ट्राई टू बी थिंक क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस कैसे uh, कितने से बढ़ाऊं ताकि इन दिस केस इट इज प्रॉफिटेबल टू बी प्रोड्यूसिंग दो प्रोडक्ट्स ऑल्सो ठीक है सो so, हम लोगों ने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया था वट वी ऑल हैव स्टार्टेड टू बी डूइंग की हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो पर आर वगैरह कुछ था हाइएस्ट रैंक प्रोडक्ट का कॉपी किया बाकी दोनों के अंदर और रिवर्स जाके हम लोगों ने सेलिंग प्राइसेस निकाल लिए अगर सेलिंग प्राइसेज उतने से बढ़ जाएंगे ना देन इन दैट केस तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर सबका सेम आ जाएगा एट दैट टाइम यू कैन मैन्युफैक्चर द अदर प्रोडक्ट बाकी चीजें आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही समझ में आएगाजी अ क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को मैंने वन स्टार ही दिया है ठीक है माई सुपर क्विक रिविजन आर ऑल डन फॉर दिस पर्टिक्युलर पार्ट आई सी ऑल नेक्स्ट टाइम जस्ट रिमाइंडर दैट दीज नोट्स विल भी अवेलेबल ऑन अ टेलीग्राम चैनल अपार्ट फ्रॉम दैट दीज लेक्चर्स विल ऑल्सो भी अवेलेबल ऑन अ टेलीग्राम चैनल हम लोग हर एक क्वेश्चन का रिविजन रिकैप और उसका रैंकिंग का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं थैंक यू गाइस विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ बाय